है बाप को पहचान लिया, निश्चय बुद्धि बन गया कि ये मेरा बाप है, तो ये बेहद का जन्म है। और बाप को भूल गया, निश्चय बुद्धि बन गया, मृत्यु हो गई। तो संगम युग में जास्ती जन्म लेना, मृत्यु होना स्थूल रूप में या तो सूक्ष्म रूप में अच्छा है या बुरा है? है? बुरा है। बुरा है क्यों? ज्यादा निश्चय निश्चय के चक्कर में। अच्छा ठीक है, मुरली में क्या बोला है? सबसे जास्ती जन्म मृत्यु के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल आती है। ये नहीं कही कि राम बाप की सोल आती है। सबसे जास्ती जन्म मृत्यु का चक्र ब्रह्मा की सोल को लगता है। तो ब्रह्मा का पार्ट अच्छा नहीं है क्या? है? अच्छा नहीं है क्यों? अच्छा क्योंकि पढ़ाई से जो प्राप्ति होना चाहिए, हाँ, वो नहीं प्राप्त कर पाए। क्या प्राप्ति नहीं हो पाई? इसी शरीर से नर से नारायण बनना चाहिए। हाँ, भारतीय परंपरा में ये गायन है कि हम परमार्थ भी पैदा करें, परलोक भी सुधारें और इलोक भी सुधारें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ये लोक भी संवर जाए और परलोक जन्म जन्मांतर भी सुधर जाए, ऐसा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। और ये लोक सारा ही बिगड़ गया तो अंत मते सो क्या होगी? तो गति खराब हो जाएगी ना। जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हुई। तो ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं उनको पहले ही बाबा ने सतर्क कर दिया कि ब्रह्मा के चित्र को याद नहीं करना। ब्रह्मा मृत्युलोक में जन्म लेता है और मृत्युलोक में ही खलास हो जाता है। तुम तो अमरनाथ के अमर बच्चे हो, तुमको इस दुनिया का अंत देखना है इन आंखों से। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। इसलिए 84 जन्म लेने वालों की दो कैटेगरीज हो जाती है। कौन कौन सी? एक जन्म देने वाले और एक जन्म लेने वाले। जन्म देने वाले हैं बीज रूप बाप और जन्म लेने वाले हैं बच्चे के रूप में, बच्चा बुद्धि। जैसे ब्रह्मा बच्चा बुद्धि, सुप्रीम सोल बाप ने ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके जो भी बोला, जैसे बच्चे प्राइमरी स्कूल के चौपाइयों को, दोहों को, कवित्वों को रट लेते हैं लेकिन उनके गुह्यार्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए मुरली में बोला है ये कृष्ण तो बच्चा है। बच्चा का मतलब बुड्ढा, बच्चा कैसे हो गया? वो कृष्ण की सोल है, वो आखिरी जन्म में बूढ़ा तन धारण करती है तब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है, तो बच्चा कैसे हो गया? वो तो अनुभवी हुआ। एक तरफ बच्चा कहना ये ब्रह्मा बेबी है और दूसरी तरफ अनुभवी तन में आता हूं, तो असलियत क्या हुई? इसमें सच्चाई क्या है? एक तरफ उर्लिम बोला ये बेबी बुद्धि है, शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं, बेबी माने बच्चा, और दूसरी तरफ बोला मैं अनुभवी रथ में आता हूं।
तो दोनों बातें अलग अलग हो गई। फिर अलग अलग दो आत्मा होना चाहिए। हाँ जी, अनुभवी रथ में आता उनका मतलब ये हुआ कि कोई रथ है जिस रथ में मैं प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाता हूँ, माँ खास करके भारतीय माँ घर की चार दीवारी में रहती है और बाप बाहर की दुनिया में कमाई करने के लिए चक्कर लगाता है, तो ज्यादा अनुभवी दुनिया का कौन बनेगा? माँ जास्ती चक्कर नहीं लगा सकती दुनिया का। माँ का कनेक्शन भारत से है और बाप का कनेक्शन सारी दुनिया से है।